आपको ये टेबल तो मैंने करवाई दिया था अभी। एक ना टॉपिक है रेजोनेंस ट्यूब। एक बात समझ लो, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल, जैसे इसमें लिखा होगा कंसिडर सोनोमीटर, अब आपको ये समझ में आ गया सोनोमीटर कुछ नहीं है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले एग्जाम्पल को सोनोमीटर बोलते हैं। ऐसी पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट वन एंड, ऐसे लिखा होगा ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, या फिर लिखा होगा कंसिडर अ रेजोनेंस ट्यूब। ये रेजोनेंस ट्यूब क्या होती है? रेजोनेंस ट्यूब है एक ऐसी ट्यूब जो नीचे पानी है और ऊपर ओपन है, यानी कि एक ट्यूब जो नीचे से बंद है, एक एंड क्लोज्ड है और एक एंड ओपन है, उसको रेजोनेंस ट्यूब बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं इसको रेजोनेंस ट्यूब, इसको समझते हैं। रेजोनेंस ट्यूब बेसिकली ये एक लैब का एक्सपेरिमेंट है, जैसे सोनोमीटर लैब का एक्सपेरिमेंट है। वो अलग बात है कि लैब का एक्सपेरिमेंट थोड़ा कम करवाते हैं वेव्स के ऊपर, ज्यादा पहुंच ही नहीं पाते, बट ये लैब के अंदर करवाया जाता है। लैब के अंदर जाते हैं, एक ट्यूब होती है जिसमें नीचे पानी होता है, ये पानी से भरी हुई ट्यूब होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब। तो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये रही सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये रही, और इसमें मान लो ये वाटर है पूरा भरा हुआ है। हम क्या करते हैं, एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं, लैब के अंदर ट्यूनिंग फोक देंगे आपको, जोर की टेबल पे मारेंगे और वो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करके वो इसके ऊपर रख देते हैं और पानी को नीचे गिरने देते हैं, लेवल नीचे गिराते हैं। ट्यूनिंग फोक जब वाइब्रेट करता है तो हल्की सी हमिंग नॉइज निकालता है, मतलब उसकी जो वाइब्रेशन है वो फील कर पाते हो, हल्की सी हमिंग नॉइज होती है। अब होता क्या है, जब वो वाइब्रेट कर रहा होता है तो पार्टिकल्स भी कांपते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो जैसे पानी का लेवल नीचे गिर रहा है ना, एकदम क्या होगा, फील करोगे लैब के अंदर कि आवाज एकदम गूंजती है, नॉर्मल से एकदम ज्यादा हो जाती है, पाइप के अंदर से आवाज ज्यादा आती है। आप सोचते हो कि आवाज कैसे ज्यादा होगी, तो आपको वो टीचर कहेगा देखो इसके अंदर क्या होगा, स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी। तो डायग्राम अंदर का एयर के पार्टिकल्स का ऐसा हो गया, तो आपको हो गया कि ऐसा हो गया, आपको कैसे पता, क्योंकि आवाज ने एकदम फ्रीक्वेंसी पकड़ी, न्यू वन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो हम बोलते हैं कि ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी इसकी फंडामेंटल मोड के साथ क्या कर गई, मैच कर गई, रेजोनेट कर गई। तो वर्ड क्या है यहां पर, रेजोनेंस। और ये ट्यूब के अंदर सब कुछ हो रहा है, इसका नाम क्या है, रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है। फिर टीचर कहेगा एक काम करो, पानी को और नीचे घेरो। पानी जब नीचे गिर रहा होगा वो आवाज बंद हो जाएगी, वाली गूंजने वाली आवाज बंद हो जाएगी। जैसी बंद होगी, पानी और नीचे गिर रहा है, एक ऐसा लेवल आएगा लिक्विड का, आपने ट्यूनिंग फोक अभी भी रखा हुआ है यहां पे, एक ऐसा लेवल आएगा फिर से आवाज एकदम गूंजेगी अलग फ्रीक्वेंसी के साथ। आप कहोगे ऐसा एकदम क्यों हुआ, तो टीचर कहेगा देख इसमें सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन तैयार हो गया होगा, कुछ इस तरीके से ऐसे किया था ना, ऐसे मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो डायग्राम ऐसा बना होगा, तो एयर के पार्टिकल ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये ट्यूब के अंदर किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, रेजोनेंस ट्यूब। पर फॉर्मूले कौन से लगते हैं, फॉर्मूले वही लगते हैं, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच होगी, इस सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के साथ। तो लैब के अंदर ऐसा करते हैं कि पहले एक लिक्विड लेते हैं, जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन लेते हैं, जैसी आवाज गूंजती है, जैसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है, टीचर कहेगा लेंथ मेजर कर ले फटाफट, तो आपने L1 मेजर कर लेना है, स्केल से मेजर कर लेते हैं, पानी को नीचे गिरते हैं, फिर आवाज गूंजेगी, आप टीचर कहेगा फिर से L2 मेजर कर लो, आपने L2 L1 मेजर कर लिया, तो आपने थ्योरी पढ़ रखी है और आपको पता है कि दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है, एक लूप का अंतर है, एक लूप एक्स्ट्रा इसमें, और एक लूप की लेंथ क्या होती है, λ/2। तो अगर आप L2 और L1 दोनों को माइनस करें तो डिफरेंस क्या आएगा, λ/2। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, लैम्डा। तो आप साउंड की क्या निकाल सकते हो, वेवलेंथ, सिर्फ आवाज सुन के लेंथ मेजर करके आप साउंड की वेवलेंथ निकाल देते हो, है कि नहीं सही तरीका। तो आपने लैम्डा निकाल दिया, तो न्यू क्या होगा, वी बाय लैम्डा। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो भी कैलकुलेट, साउंड की स्पीड तो 332 होती है, किया था लैपलेस की करेक्शन से, तो यहां से क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये लैब का मेथड है हाउ टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी स्टैंडिंग वेव। तो अगर रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या तो वो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, वी बाय 2L, बात ही खत्म, जैसे ये वाला केस है, कहेगा फ्रीक्वेंसी निकाल दो, आपको वी बाय 4L, खत्म, ठीक है। या फिर वो L1 L2 को मेंशन करेगा, जब वो L1 L2 को मेंशन करेगा फिर समझ जाना कि फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। NCERT में थोड़ा कम आता है, कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा ज्यादा आता है रेजोनेंस ट्यूब का, L1 L2 को लेके, ठीक। तो इसके अंदर एक और चीज समझें,
जो हम थ्योरी बनाते हैं और डेरिवेशंस करते हैं या लिखते हैं, उसमें ये एज्यूम किया जाता है कि अगर ये आपकी ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो आपका जो एंटी नोड है, मीन जो आखिरी पार्टिकल है एंटी नोड, वो यहाँ पे होगा, इस ट्यूब के बिल्कुल सीध में होगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, एंटी नोड ट्यूब की लाइन में नहीं होता, थोड़ा बाहर बनता है, ट्यूब के बाहर बनता है, ऊपर बनता है। तो इसलिए ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है फर्स्ट मोड का, वो ट्यूब के बाहर निकल जाता है क्योंकि एंटी नोड बाहर है। वो कितना बाहर निकलता है ट्यूब से, उसकी लेंथ याद रखनी है 0.3 टाइम डायमीटर ऑफ द ट्यूब, 0.3 D के इक्वल होता है। तो इसलिए जो लेंथ है टोटल, अब वो एल नहीं रहेगी या L1 नहीं रहेगी, वो L1+0.3 D रहेगी। इस 0.3 D को हम थ्योरी में कंसिडर करते नहीं है, हम नहीं करते, हम तो सिंपल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या लेते हैं, न्यू इज इक्वल टू V/4L, बात खत्म। बस हम तो यही लेते हैं, हम तो L यहां से यहां तक लेते हैं। पर अगर किसी ऑब्जेक्टिव में, NCERT में क्वेश्चन तो नहीं आता, ये ऑब्जेक्टिव में आता है नीट और मेंस में, अगर उसने कहा कि टेक एंड करेक्शन, इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, क्या लिया हमने, एंड करेक्शन। एंड करेक्शन का मतलब जो चीज निगलेक्ट की वो निगलेक्ट नहीं करनी, तो आपने उसको भी कंसिडर करना है। तो एंड करेक्शन 0.3 D पर कुछ नहीं करना। फिर आपने लेंथ जहां जहां यूज की, वहां वहां L+0.3 D यूज कर देंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में डायमीटर दे दिया ट्यूब का। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा ये, इसको एंड करेक्शन बोलते हैं। तो एंड करेक्शन निकालने का तो ये फॉर्मूला याद करना है, 0.3 D, वो भी तब अगर क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में मेंशन हो। और दूसरा एक और तरीका है, ये फॉर्मूला है L2-3L1/2, दोनों रिमेंबर करने हैं, इसको नोट कर लेना। अगर ऑब्जेक्टिव में एंड करेक्शन लेने को बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो कोई बात नहीं। वैसे कम बोलता है, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि आई नहीं हुए, आए हुए क्वेश्चंस हैं मेंस में, तो कम से कम मैंने देखा है एंड करेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता हुआ। क्लियर है यहाँ तक?